ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां 1 बजे तक वोटिंग में वैशाली रहा आगे। साथ ही बात होगी एटा की, जहां गौवंश को लाइसेंसी हथियार से गोलियां मारकर किया गया घायल, और बताएंगे कैसे उतरौला में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कमी रही। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में 6ठे चरण का मतदान जारी है। चुनाव आयोग की ओर से 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी किया गया है। वैशाली में 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान हुआ है। बाकी सभी सीटों पर 40% से कम वोट पड़े हैं। बगहा में लोकसभा चुनाव को लेकर वाल्मीकि नगर विधानसभा में एक व्यक्ति को पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद हिरासत में लिया। वायरल वीडियो की निशानदेही पर पुलिस ने उसकी पहचान एवं कार्रवाई की है। वहीं वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वरीय अधिकारियों ने स्थितियों पर नजर बनाए रखी है। मुजफ्फरपुर में DCC ने स्ट्रांग रूम में निरीक्षण के दौरान चुनावी अपडेट्स को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। कंट्रोल रूम में सारे ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, इसमें MC है, जो हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने दो अलग से नंबर, दो लाइन ले रखे हैं, जिसमें वो भी फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ से पता करते हैं। तो किसी भी स्पेशल घटना, अगर कुछ भी डिफरेंट हो रहा है, उसकी सूचना आती है। उसके अलावा हम लोग यहाँ से लगातार फ़ोन करवा करके VTR क्या है, सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है कि नहीं, ये पता करते हैं। उसके साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे जो वेबकास्टिंग हो रही है, लगभग 60% से भी अधिक बूथ पर उसका सबका रिले यहाँ पर हो रहा है। इसी कंट्रोल रूम से डेडिकेटेड टीम है जो वेबकास्टिंग को देख रही है कि वहाँ पर सब शांतिपूर्ण चल रहा है नहीं, और कोई भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आते हैं तो वो यहाँ से देख लेते हैं। अभी तक सारे जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, कहीं से किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और इस कंट्रोल रूम सारा सब कुछ। कितना प्रतिशत तक मतदान हो गया है? 1 बजे तक जो हम लोग के पास रिपोर्ट है, लगभग 40% के आसपास मतदान हो चुका है, 40.48 टू बी प्रिसाइज, और हम लोग लगातार हर दो दो घंटे पर अपडेट ले रहे हैं। पटना बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां अमागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बछाकर में रवि शर्मा नामक व्यक्ति ने गौवंश को अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां मारकर घायल कर दिया है। ये घटना 24 मई की बताई जा रही है। राजकीय पशु चिकित्सालय अमागढ़ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर गौवंश के उपचार में लगी हुई है। रवि शर्मा पुत्र सतीश शर्मा गाँव दयानतपुर थाना कोतवाली हाथरस गेट जनपद हाथरस का मूल निवासी है। रवि शर्मा के थाना क्षेत्र अमागढ़ के गाँव बछाकर में कृषि भूमि है, जिसके चलते राम बचाकर में रहकर खुद ही खेती बाड़ी का काम करता है। जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज गौवंशों की सुरक्षा को लेकर काफी सजग है, तो दूसरी ओर रवि शर्मा जैसे अराजक तत्व दिनदहाड़े गौवंश में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर गौवंश की हत्या करने के दुस्साहस भरी वारदात को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। रवि शर्मा के विरुद्ध थाना कोतवाली अवागढ़ में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हिंदू एकता समूह के साथ अन्य हिंदूवादी संगठनों ने ऐसी घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपी को जल्दी पकड़कर कठोरतम कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेजने के साथ उसके लाइसेंस को निरस्त करने की मांग उठाई है। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू एकता समूह संस्थापक शुभम हिंदू क्या कुछ कहा। जय श्री राम। 24 की रात्रि को 11 बजे सूचना मिली कि रवि शर्मा व्यक्ति, जो कि ग्राम पछाकर बरई कल्याणपुर अवागढ़ में खेती करता है, जो हाथरस का रहने वाला है, उसने अशोक कुमार जी के बछड़े के 3 गोलियां मार दी थी अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से, जो कि एक निंदनीय कृत्य है। रात को ही अवागढ़ पुलिस को बुलाया गया और उसको अवागढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, और अवागढ़ पुलिस का हिंदू एकता समूह बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि रात को तहरीर अशोक कुमार जी ने दी और उसके ऊपर तुरंत रात को ही 11 बजे मुकदमा दर्ज किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी की आगे की वैधानिक कार्रवाई थाना अवागढ़ से की जा रही है। बस हिंदू एकता समूह की यही मांग है कि ऐसे लोग जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो इंसानियत किसी में नहीं रखते, आज वह एक जानवर के साथ कर रहा है, आज वह एक बछड़े के साथ कर रहा है, कल वह आपके बच्चे के साथ भी कर सकता है, तो ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। तो हिंदू एकता समूह की सिर्फ इतनी मांग है कि इस व्यक्ति को कठोर से कठोर धाराओं में जेल भेजा जाना चाहिए, और भी लोग जो संलिप्त हो इसको उनके साथ जेल भेजा जाए और इसका लाइसेंस निरस्त हो और इसके परिवार में जीवन भर कभी शासन एवं प्रशासन लाइसेंस देने की अनुमति दे ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग इंसानियत के पक्षकार नहीं हो सकते। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड पर स्थित
आदर्श नगर कॉलोनी है, जहां आदर्श नगर कॉलोनी निवासी राजकुमार ने दस्तोई रोड की एक दुकान से अपने परिवार के लिए समोसे लेकर गया था। जैसे ही पीड़ित रामकुमार समोसे लेकर घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने समोसा खाया तो अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगी। पत्नी की हालत बिगड़ता देख पीड़ित घबरा गया और अपनी पत्नी को स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद पीड़ित ने दुकानदार के खिलाफ 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ पुलिस चौकी में भी तहरीर दी है। पीड़ित रामकुमार ने बताया कि दस्तोई रोड की एक दुकान से समोसे लिए थे, समोसों में बदबू आ रही। समोसे खाते ही पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पीड़ित ने बताया कि डायल 112 पर दुकानदार की शिकायत की गई है और फूड इंस्पेक्टर को फोन मिलाकर शिकायत करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित राम कुमार का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, क्या हुआ? मैं ये जसरूप नगर में दस्तोई रोड पे चौथी पांच की दुकान है कपिल कुमार के नाम पे समोसे लिए हैं। समोसे इनमें बिल्कुल बदबू आ रही है और मेरी घरवाली की खाते ही तबीयत खराब हो। अब ये नू करें समोसे सही है। समोसे मैंने हाथ में ले रखे हैं, जिसे सही लग रहा हो उसे दिखा दें। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की है इस मामले को लेकर? हाँ जी, फिलहाल 112 पर करिए। फूड इंस्पेक्टर के जो नंबर हैं तो वो उस पर टोल फ्री नंबर, उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन मिल जाएगा उठा लीजिए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते फरियादियों को नहीं मिल रहा न्याय। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ महिलाओं को न्याय देने के लिए कटिबद्ध है, तो वहीं रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक बालेंदु गौतम की कार्यशैली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गुलहा मजरे जिहवा के रहने वाले एक युवक ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण का आरोप लगाते हुए नामजद शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की। वहीं महाराजगंज पुलिस अज्ञात में मामला दर्ज करते हुए पुलिस की छवि धूमिल करने का काम किया है। घटना के लगभग एक सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी महाराजगंज पुलिस अब तक नाबालिग किशोरी को बरामद नहीं कर पाई और अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर ली। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब प्रतिवादी ने नामजद तहरीर दी और मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है, कहां से आए हैं? भैया मेरा नाम मिराज अहमद है, मैं बहुत परेशान हूं। 16 तारीख से आए हैं? मैं आया हूं महाराजगंज थाना जीवा ग्राम सभा गांव मेरा गुलहा। क्या समस्या है? समस्या मेरी 16 तारीख को लड़की लापता हो गई, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। हम आए थे 18 तारीख को, यहाँ कोई मिला नहीं, आज फिर हमको आना पड़ा। मुकदमा लिखा गया अज्ञात में कर दिया गया। मेरे एप्लीकेशन पर कोई मुकदमा नहीं है, वो अज्ञात में मुकदमा कर दिया गया। क्या जानते हैं उन लोगों को? उन लोगों को जानते हैं जो लड़का बैठा के ले गया, उसको हमने नामजद रिपोर्ट किया। उसके नाम, क्या नाम है उनका? उसका नाम है सरवन, उसके बाप का नाम है तुलसी। कहाँ का रहने वाला? वही गुलहा गांव गुलहा का रहने वाला। पुलिस को सूचना है, एप्लीकेशन पर नाम लिखा, उसका एप्लीकेशन भी मेरी लगी है। क्या कह रहे थे? मगर पुलिस जाती आती लौट आती, जाती आती लौट आती है। पुलिस ने मुकदमा अज्ञात के खिलाफ अज्ञात में कर दिया मेरा मुकदमा। एप्लीकेशन बदल दिया गया? हाँ, मेरा एप्लीकेशन बदल दिया गया। अब मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया। ये तारीख 16 के मैटर हमारा एप्लीकेशन, और 17 को हमको 4 बजे उसकी रिपोर्ट मिली है अज्ञात में। तब हम समझे कि हम तो बेकार हो गए, हम परेशान हो जाएंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरी जानकारी हो जाए, मेरी लड़की मेरे पास आ जाए, जैसा तैसे हो उसको मालूम होना चाहिए ना। आ जाए थे हम कप्तान साहब के पास, साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं हम देखेंगे। न्याय ना मिला तो हम नकलों देखेंगे भैया, हम नकलों जाएंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर की उतरौला से, जहां विकासखंड श्री दत्तगंज में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन भीषण धूप और गर्मी उमस के कारण तमाम मतदान केंद्र 10 बजे से सूने हो गए। मतदान केंद्र श्री दत्तगंज को अच्छे ढंग से सजाया गया था और केंद्र पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन मतदाताओं की भीड़ नहीं थी। सुबह मतदाताओं की भीड़ के बाद दोपहर को सन्नाटा हो गया। आदर्श मतदान केंद्र रामपुर बंगनाहा में 10 बजे से सन्नाटा हो गया। मतदान केंद्र गुमड़ी के 3 बूथ पर 2 दर्जन मतदाता नजर आए। मतदान केंद्र चमरूपुर के 2 मतदान केंद्रों को गुब्बारे व फूलों से सजाया गया था। मतदाताओं को मतदान के लिए आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाए गए थे, परंतु 11 बजे एक मतदान केंद्र सूना पड़ा था। वहीं दूसरे मतदान केंद्र पर करीब 10 महिलाएं व 8 पुरुष लाइन में मतदान करने के लिए खड़े थे। आदर्श मतदान केंद्र बिहार को खूब सजाया गया, जिसमें एक मतदान केंद्र पर 937 मतदाताओं में 307 मतदाताओं ने 11:30 बजे तक मतदान कर दिया था। मतदान केंद्र रेमंडवलिया अति संवेदनशील
होने पर महिला व पुरुष पुलिस बल तैनात रहे। मतदान केंद्रों पर पानी पीने व टेंट का इंतजाम था। मतदान केंद्र पर आशा बहु तैनात रही, जो मौके पर किसी मतदाता के अस्वस्थ होने पर उसकी प्राथमिक इलाज कर सके। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए किसी से कोई विवाद का मामला नहीं आया। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था। केंद्र पर पानी के डिब्बे रखे थे, वहीं केंद्र पर टेंट लगाकर छाए की गई थी। अधिकांश केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे, उस पर मतदाताओं की उपस्थिति कम रही। वोट डाले में कोनो तकलीफ तो नहीं भाई? का नाम है आपका? मैमून निशा। मैमून निशा, अच्छा। कोने मुद्दा वोट दी? यह जमा लगाई दी, चाहे जमा लगाई दी, साइकिल झूठ का है। बलरामपुर उत्तरवाला से सी न्यूज़ संवाददाता कमल किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।